बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एमएस एक्सेस में एक टेबल में मौजूद डेटा को सॉर्ट और फिल्टर आउट करना सीखा था। आज के लेक्चर में हम दो टेबल्स में मौजूद रिलेशनशिप को क्रिएट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पहले भी रिलेशनशिप के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी आप एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में रख देते हैं तो दूसरे टेबल में वो जो की है वो कहलाती है उस दूसरे टेबल की फॉरेन की, और इस तरह से आप टेबल में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। लेकिन एमएस एक्सेस में आपको कुछ और क्लिक्स की मदद से प्रैक्टिकली भी इस रिलेशनशिप को क्रिएट करना होता है। इस तरीके से आइए आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाते हैं। दोस्तों, अब आप गौर करें तो हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं, स्टूडेंट का टेबल और कोर्स का टेबल। स्टूडेंट के टेबल के अंदर फील्ड्स हैं स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर एंड स्टूडेंट एड्रेस, और कोर्स के अंदर फील्ड्स हैं कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। तो दोस्तों, अब हम ये देखना चाहते हैं, यानी अब हम सबसे पहले रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं इन दोनों टेबल्स के दरमियान। लेकिन आप जानते हैं कि रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो जिस टेबल के साथ हम रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं उसकी प्राइमरी की को हम दूसरे टेबल के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल हुआ है, तो यहाँ पर हम इस कोर्स आईडी को लेकर आएंगे, यानी इस कोर्स की आईडी को लेकर आएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर एक फील्ड बना देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आईडी लिखेंगे तो हमने यहाँ पर फील्ड लिख दी है कोर्स। मिसाल के तौर पर सना जो है वो इनरोल हुई है फिजिक्स के अंदर, तो हमने सना को आईडी दे दी 1। इसी तरीके से दोस्तों, अहमद जो है वो इनरोल हुआ है इंग्लिश के अंदर, इसको हमने आईडी दे दी 3। अली इनरोल हुआ है उर्दू के अंदर, इसको हमने आईडी दे दी है 4। और जैनब इनरोल हुई है मैथ्स के अंदर, इसको हमने आईडी दे दी है 2। दोस्तों, ये तो आप काम नॉर्मली भी करते थे, यानी हम अपनी प्राइमरी की को जिस टेबल के साथ हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना होता था उस टेबल में एज अ फॉरेन की रख देते थे। ये काम करने के बाद अब आपको एमएस एक्सेस को भी बताना पड़ेगा कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। तो आप सबसे पहले इसको सेव करेंगे इस टेबल को, और सेव करने के बाद क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, और आप अपनी कोर्स के टेबल पर गौर करें तो यहाँ पर किसी किस्म का कोई साइन नहीं है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन हर फील्ड के आगे, हर रिकॉर्ड के आगे नजर आएगा, जो कि बताएगा कि अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। तो हम सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आप डेटाबेस टूल के जो है वो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आप इसे रिलेशनशिप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम कोर्स और स्टूडेंट दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कोर्स के टेबल को ऐड करवाएंगे, उसके बाद स्टूडेंट के टेबल को भी ऐड करवाएंगे, और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। दोस्तों, अभी आप गौर करें तो इन दोनों टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने एक फील्ड तो क्रिएट कर दी कोर्स के नाम से, जिसके अंदर हमने ये बता दिया कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में एनरोल हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब आपको एमएस एक्सेस में ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि ये जो आपने फॉरेन की रखी है ये किस टेबल की प्राइमरी की है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये फॉरेन की प्राइमरी की है इस कोर्स के टेबल की। तो हम यहाँ पर इस कोर्स आईडी को ड्रैग करवाएंगे इस टेबल पर। जैसे ही आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी एडिट रिलेशनशिप के नाम से। दोस्तों, स्टूडेंट के अंदर तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो फील्ड है वो है कोर्स के नाम से, जो कि एज अ फॉरेन की है। लेकिन अब हमें ये बताना है कि ये फॉरेन की किस टेबल की प्राइमरी की के साथ कनेक्ट होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कनेक्ट होगी इस कोर्स के टेबल की इस आईडी के साथ। आपने इसको ये एंटर करने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे। ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। जी हाँ, हम इन चेंजेस को सेव करना चाहते हैं। अब अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट टेबल तो आपको वैसा का वैसा नजर आ रहा है। सना जो है वो कोर्स नंबर 1 में इनरोल है, अहमद कोर्स नंबर 3 में इनरोल है। लेकिन अब अगर आप कोर्स की टेबल को देखें तो यहाँ पर आपको हर एक रिकॉर्ड के आगे ये प्लस का साइन नजर आ रहा है, विच मींस के अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये टेबल दिखाया था, तब ये साइन मौजूद नहीं था। अब दोस्तों, जब आप इस साइन को एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि इस कोर्स में
कौन सा स्टूडेंट इनरोल हुआ है उसकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस टेबल में भी नजर आ रही है, विच मीन्स कि अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से ये जो इंग्लिश का कोर्स है इसके अंदर ये आपको बताएगा कि कौन सा स्टूडेंट इनरोल हुआ है। इसके अंदर इनरोल हुआ है स्टूडेंट नंबर 2, जिसकी आईडी है 2, नेम है अहमद, नंबर है 2433554 और एड्रेस है C90, विच मीन्स कि इस तरह से दोस्तों आप एमएस एक्सेस के अंदर दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड को ऐड कर देना, उसकी प्राइमरी की को रख देना काफी नहीं है, बल्कि आपको डेटाबेस टूल के अंदर रिलेशनशिप्स में जाकर उस रिलेशनशिप को बाकायदा से आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ, जिसमें हमने बताया कि हम एक टेबल को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस जैसे कि फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, मॉडिफाइंग द टेबल, अपडेट द टेबल, इंसर्शन इन द टेबल, ये तमाम चीजें किस तरह से कर सकते हैं, और साथ के साथ आप दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिएटिंग क्वेरीज इन एमएस एक्सेस। यानी ये जो हमारा चैप्टर है ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल था, टेबल एंड क्वेरीज पर। तो टेबल को हमने मुकम्मल कर लिया है, अब बारी आती है क्वेरीज की। तो अगले लेक्चर से हम क्वेरीज पर सारा काम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।